असलम वरह वबरकू अलहमदिल्लाकफ़ा सलाम हिलदिनाबाद मोहरम नाजिर इकराम आसान दरस कुरान के अंदर आज अठारहवें पारे का सत्रहवें रुकू है और अठारहवें पारे का यह आखिरी रुकू है जिसके अंदर सूरह फ्रकान सुरम नंबर पच्चीस की ग्यारह आयतें आयत नंबर दस से आयत नंबर बीस तक अज़बीमिन शैतान बसमील रिमानरहीम तवार अकल इनशा ज्लाहार वैजल्ला का का आ बड़ी शान वाला है अल्लाह वो चाहे तो आपको उन चीज़ों से बेहतरीन चीज़ दे सकता है एक नहीं कई बागे जिनमें नहरे बहती हों और कई आलिशान महल दे सकता है बल्कि जब वसाअ वातद नाले बनक रबिस्सात शीर आ बल्कि काफिरकार करने वालों ने तो क़ियामत ही को झुटला दिया है और क्यामत को झुटलाने वालों के लिए हमने आग यानी जहन्म तैयार कर रखी है इधार आत मकान बाहत वफफ़ी जब जहन्नम झुटलाने वालों को दूर से देखेगी तो वो लोग आग के गुस्से और चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनेंगे वैज़ा उल्किन मकानईय का मकरिन दावा हनाले का सबूर और जब जहन्नमी लोग जंजीरों से बाधे हुए जहन्नम की एक तंग जगह में फेंक दिए जाएंगे तो उस वक्त वह लोग मौत यानी हलाकत को पुकारेंगे लातदुल्योम सबूरम वाहिसबूरन कसीरा तो उस वक्त उन्हें कहा जाएगा आज तुम सिर्फ एक मौत को नहीं बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो फिर भी मौत नहीं आएगी कुल अदाल खैरम जन्नत खुलद नती विलमतकून कानत लहमज जजा व मसीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछ लीजिए जहन्नम का यह दर्दनाक बहुत तकलीफ वाला अजाब अच्छा है या हमेशा रहने वाली वो जन्नत जिसका अल्लाह ने डरने वालों से वादा किया है जो उनका बदला और ठिकाना होगा लहमफी हमारे शाहून खालदीन कान अला रब का वादम मसूला जन्नत में लोगों को वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहेंगे वो हमेशा उसी जन्नत में रहेंगे यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का ऐसा वादा है जिसको अल्लाह पूरा करके ही रहेगा वयोम शुरुआया अबून नमिनदल फ्यक़ुल आन तुम अजल तुम इबाद हाउलासबील और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब उन काफिरों और उन बनावटी मबूदों को भी जमा करेगा जिसकी वो अल्लाह को छोड़ कर इबादत किया करते थे तो अल्लाह उन बनावटी मबूदों से पूछेगा क्या तुमने मेरे उन बंदों को गुमराह किया था या खुद ही ये लोग सीधे रास्ते से भटक गए थे कालू सुबहाना कमान लिया वो आबाजिक वकानबूरा वो बनावटी मबूद कहेंगे मेरे डब तेरी सब ऐप से पाक है हमारे लिए हरगिज़ ये मुनासिब नहीं था कि हम तुझे छोड़ कर दूसरों को अपना दोस्त बनाते लेकिन तूने उन्हें और उनके बाप दादों को ऐशो आराम की जिंदगी दी यहाँ तक के तुझे याद करना भूल गए ये खुद ही हलाक को बर्बाद होने वाले लोग थे फ़कत का जबूक बे मातुल्लू फमा तस्तती वाला नसरा यजलिम वमा यजलिजिकन खबीरा तो अल्लाह काफिरों से कहेगा उन मबूदों ने तो तुम्हारी बात को झुटला दिया कि वो इबादत के लायक हैं अब न तुम अजाब को टाल सकते हो और ना ही अपनी मदद कर सकते हो और तुम में से कोई जुल्म शिर करेगा उसे हम बड़ा अजाब देंगे वमा अरसलना अरसलियामशू न फिलसवाक वजाज़ उकम लिबाज़ानफना वक़ान रबा बसीराबील वसम हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे व सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है ताकि देखें क्या तुम सब्र करते हो और आप सलील आसम का रब सब कुछ देख रहा है नाजर निकराम आसान दरसे कुरान के अंदर आज अठारहवें पारेगा सत्रहवें रुकू है आखिरी रुकू है अठारहवें पारेगा जिसके अंदर सरह फ़ुरक़ान सूरह नंबर पच्चीस की ग्यारह आएते हैं दस से बीस तक आइए गौर करते हुए चलें कि जब लोगों ने यह तराज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़जाने क्यों नहीं हैं बाग़ा क्यों नहीं हैं तो अल्लाह तला ने कहा कि अगर हम चाहें तो कई बागात इनको दे दें और हम चाहें तो उनके लिए बेहतरीन महल बना दें फिर आगे बयान किया जा रहा है जहन्नम की आग कैसी होगी जब वो लोग जहन्नम की आग को देखेंगे तो जहन्नम की आग को गुस्से से बफड़ना और धाड़ना सुनेंगे समय उलहातरा बफर रही होगी चिल्ला रही होगी चीख रही होगी धाड़े मार रही होगी लोग सुनेंगे दूर से ही पता चल जाएगा जिस तरीके से है सुर्ण मुल्क सुरक्षर सड़सठ आयत नंबर सात और आठ पर गौर कीजिए हिज़ाउी शही तफ़ूर इनकार करने वाले जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो गधे की तरह जहन्नम के चीखने की आवाज़ सुनेंगे और गर्मी की वजह से वो जोश मारती होगी तकादो तमयज मिनल गैज़ गुस्से के मारे वो जहन्नम फटी जा रही होगी तो याद कीजिए जहन्नम का धाड़े मारना फिर इसी तरह गुस्से में उछलना कूदना जब आदमी में गुस्सा आता है तो उछलता है कूदता है अल्लाह ताकत देगा और ये एक हकीकत है हम ये नहीं बोल सकते कि वैसे ही बयान किया गया जी नहीं अल्लाह क़यामत के दिन जहन्नम से कहेंगे हलम मजीद शुरह काफ़ शुर नंबर पचास आयत नंबर तीस और चाहिए क्या उसके बाद लोग मौत को याद करेंगे तो कहा जाएगा लात दुल्यम मसूरम वदु सबूरन कसीरा बहुत सारी मौतों को याद करो लेकिन मौत भी आने वाली नहीं मौत को भी ज़बा कर दिया जाएगा जो जन्नत में गए तो मौत ज़बा हो गई और जहन्नम में गए तो मौत ज़बा हो गई मौत को भी मौत आने वाली नहीं है अल्लाह ताला ने जहन्नमियों के तस्करे के बाद नेक लोगों का तस्करा किया और कहा देखो ये है और ये है जहन्नम बेहतर है या जन्नत जहाँ हमेशा हमेशा रहना है तो जन्नत बेहतर है उसके बाद अल्लाह ताला पूछेंगे जिनको पूजा जा रहा है उनसे पूछेंगे पत्थर से भी पूछेंगे और इंसान से भी पूछेंगे अक्लमन से पूछेंगे जिनके बाद अक्ल उनसे पूछेंगे पत्थर रहे या दूसरी चीज़ उनको भी अल्लाह ताला जबान दे देंगे वो बात करेंगे और इंसान को जैसे पूजा जा रहा है उजैर अलीसला वसलाम को नौजुबिल्ल अल्लाह का बेटा कहते हैं ईसा अलीसलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं तो सबसे पूछा जाएगा आम तुम अजल तुम इबादि हाउ अमज्लसवील क्या तुम लोगों ने मेरे बंदों को गुमराह किया था ये लोग खुद ही गुमराह हो गए थे तो ये लोग क्या कहें कॉल सुबह ना का मकान यम बगीला तेरी ज़ात पाक है ये हमारे लिए कैसे मुनासिब है कि तेरे अलावा किसी और को दोस्त बनाए लेकिन मसला ये है कि ये लोग गुमराह क्यों हुए वला कि मत्म व आबाह मत्ता जिक्र वकान कौम बूरा क्योंकि तूने इन लोगों को और उनके बाप दादों को खुशहाल बनाया था तो दौलत की वजह से अकड़ में आ गए गुमराह हो गए और नसीहत को भूल गए इसलिए ये लोग हलाको बर्बाद हो गए आखिरी आयत जो जो है आज के दर्स की जो सूरह सुरफ़ुरकान सूरह नंबर पच्चीस की आयत नंबर बीस हैमा रसल कबलसिनकाम असवाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तराज़ ये भी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते हैं बाज़ार में जाते हैं अपनी ज़रूरत के लिए जाते हैं सामान खरीदने जाते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपसे पहले भी जितने भी रसूल आए वो खाना खाते थे और बाजार में मार्केट में जाते थे तो इन लोगों ने यह समझा कि ये खाना खा रहे हैं इंसान है इसलिए रसूल होने से इनकार कर दिया ऐसा नहीं चल सकता है वो इंसानों में से है खाना खाते हैं उनकी भी ज़रूरत है वो मार्केट में जाते हैं और इससे पहले जो रसूल आए हैं सब के साथ ऐसा ही हुआ फिर कहा जा रहा है देखो तुम लोग सब्र करो ये बेहतर है तो नाजरीन कराम ये भी बताया जा रहा है कि आपका रब सब को देख रहा है और अल्लाह ही को बेहतर मालूम है कौन सी चीज़ किसके लिए बेहतर है अल्लाह आलम अल्लाम रसाल तस्रो नाम सर नंबर छः आयत नंबर एक सौ चौबीस अल्लाह को बेहतर मालूम है कि किसे क्या चीज़ की ज़रूरत है रिसालत का हक़दार कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकदार हैं या दूसरे हकदार हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकदार अल्लाह बेहतर जानता है तो नाज़री इकराम आज के दर्शन बस इतना ही अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमलु़ कुरान करीम को पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने कुरान करीम पर अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तोफ़ी दामीन वालकम वरहि वबरक